जो नेक्स्ट हमारा इसमें जो एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पे एक्स का तो ये गेनिंग आ रहा है, वाई का ही आ रहा है, जेड का ही आ रहा है, तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट हुआ था 240 का हो रहा है, या जो आपने किया है। अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ टोटल 240 कैसा आया। तो यहाँ पे जो टोटल आपने शेयरिंग करना है वो हमारा शेयर होगा, तो जनरल रिजल्ट जो अभी बता रही है दोनों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्रॉफिट भी जो नहीं बटा है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी नहीं बटा है, एंड गुडविल जो भी अभी नहीं बटी है, तो ये वो चीजें जो अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो हमने बांट लिया। तो जनरल रिजल्ट कितना है, 72,000 है, 75,000 है सॉरी, एंड प्रॉफिट हमारे कितना है, 15,000 है, एंड गुडविल हमारी कितनी है, 150,000। टोटल हमारे कितना बन रहा है, ये 240 बन रहा है। तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट हमारा होगा किस रेशियो में, एक्स का जो आया है गेनिंग, ये वाई का जो है इसमें, जेड का जो है इसमें। तो हम एक बार इसको कर लेते हैं कि किसको कितना कितना शेयर मिल रहा है, एक्सिस शेयर, तो एक्स का शेयर कितना है, 240 इंटू में 3/48 कैंसिल हो रहा है, 24 24 24 2 2 5 10 3 5 15, तो एक्स का जो शेयर आ रहा है 15,000 आ रहा है। ऐसे ही वाई का निकालेंगे, तो वाई शेयर जो निकालेंगे वही टोटल में से निकालेंगे, 240 इंटू में 1/48 24 24 24 2 48 कैंसिल हो रहा है, 2 2 5 10, तो वाई का कितना आया, 5,000 आ रहा है। अब जेड का निकालेंगे, जेड का हमारे कितना आएगा देखते हैं, जेड से जेड का निकालेंगे बोले टोटल में से निकालेंगे, इनटू 4 जेड कितना है, सैक्रिफाइस पर जेड क्या है, हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है, जेड का निकालेंगे 4/48 24 24 24 48 2 2 5 10, जेड कितना आ रहा है, 4/20 20,000 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि इसके जनरल एंट्री हो रहा है, क्या कह रहा है, इसकी जनरल एंट्री हो रहा है, तो वो और देख पाएगा। तो जनरल एंट्री क्या है, जो गेनिंग है और डेबिट है आपको पता ही है, तो एक्स गेनिंग है, एक्स इज कैपिटल का डेबिट, वाई भी गेनिंग है, वाई इज कैपिटल का डेबिट, एंड जेड सैक्रिफाइस है, जिसको सैक्रिफाइस मींस जिसको लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हमें दिखाना है, तो सैक्रिफाइस क्या कर देते हैं, सैक्रिफाइस एक्स कितना हमारा 15,000 है, वाई हमारा कितना है 5,000 है, एंड जेड हमारा कितना है 20,000। आप देख सकते हो इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होने चाहिए, डेबिट हमारा 20,000 है और हमारा क्रेडिट हमारा कितना है 20,000, जेड हमारा ध्यान रखना, रिवाइज दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो 30 क्वेश्चन में दे रखी है, सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं, ग्रुप फंड दे रखे हैं, बट इसकी जो कैपिटल दे रखी है वो हमारी ये नहीं रहेगी, क्योंकि इस कैपिटल में इसका जो प्रॉफिट है वो शामिल हो रहा है, तो एक्स को मिल रहा है ना 15,000, वो हमारा इसमें से लेस हो जाएगा, वाई को जो मिल रहा है 5,000 वो वाई से लेस हो जाएगा, और जेड जो 120 मिल रहा है, 120,000 नहीं मिल रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, और सेम टू सेम सब कुछ यही रहेगा। 30 क्वेश्चन है, सन्ड्री एसेट्स लायबिलिटीज और एसेट्स साइड दे रखे हैं, तो सन्ड्री एसेट्स से 6 लाख दे रखे हैं और फिक्स की 6 रहेगी, एंड कैपिटल में एक्स की कैपिटल 2 लाख है, पर एक्स में तो जो प्रॉफिट हुआ है 15,000 वो हमारे इसमें से क्या लेस हो जाएगा, तो 15 लेस करें तो 185 आएगा, वाई हमारा 1,50,000 दे रखे हैं, 5,000 लेस हो जाएगा, 1,45,000 आएगा, ऐसे जेड को ये लॉस हुआ है तो वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1,20,000 है इसमें 20,000 और ऐड हो जाएगा, तो 1,40,000 हो जाएगा, और ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट इस सेम के सेम रहेंगे, क्योंकि रिवाइज बैलेंस शीट कह रहे हैं, तो ऐसे ही 30 क्वेश्चन हमारा हो जाता है। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो न्यू टॉपिक है वो हम थोड़ा बेसिक आज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्या होंगे क्वेश्चन इसके। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, काफी अच्छा टॉपिक है ये, आप समझ लेना, पर कोई मेरे से पूछ लेना, जनरल एंट्री इसके
इसकी जनरल एंट्री है जो भी मैंने की है। बैलेंस शीट के बारे में ओवरऑल मैं आपको बता ही दिया है कैसे क्या करना है। तो अब हम जो न्यू टॉपिक आ रहा है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कैसे क्या न्यू टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। हमारा रिवैल्यूएशन का न्यू टॉपिक है, किसका है टॉपिक जो है रिवैल्यूएशन का है। रिवैल्यूएशन इज पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन ठीक है, ध्यान रखना इसका पुनर्मूल्यांकन। इसका मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं, ये चैप्टर जो चल रहा है हमारा, वो हमारा चल रहा है चेंजिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग एडजस्टिंग पार्टनर। जो भी आपके बैलेंस शीट पे है वो तो फिक्स की फिक्स रहेगी, बट नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज करती रहेगी। उसमें बैलेंस शीट में दे रखा है कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज, पर नीचे एडिशनल क्या दे रखा है वो एसेट्स बेच दिया उसने, कम में बेच रहे हैं ज्यादा में बेच रहे हैं वो आपने लिखनी है। तो अगर कम में बेच रहे हैं तो आपके लिए एसेट्स लॉस है, अगर ज्यादा में बेच रहे हैं तो आपके एसेट्स क्या हो प्रॉफिट है। तो ये चीजें आपने क्या होगी आपको लिखनी पड़ेगी। तो उसी को क्या कहेंगे हम रिवैल्यूएशन कहेंगे। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये कह रहा है कि रिवैल्यूएशन में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होगी जब बाहरी पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो उनमें भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा चेंजमेंट हो जाएगा। जैसे कि क्या कहना चाह रहा है, मेरे पास थोड़ी हिंदी मीडियम है आपको बता देता हूँ। जो प्रेजेंट के जो पार्टनर होंगे तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजमेंट होता है तो उसी के अनुसार एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या हो जाएगा रिवैल्यूएट हो जाएगा। इसका कारण यही है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के सेल करने, मतलब कि सूरज बैलेंस शीट दे रखी है। मैं एक बार इसको थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक इसका बता देता हूँ कैसे क्या क्या होते हैं क्वेश्चन। ये हमारी लायबिलिटी है और ये हमारी क्या है एसेट्स ठीक है। और बिल्डिंग दे रखी है, थोड़ा ध्यान रखें ये क्या है बिल्डिंग है प्रॉफिट वाले और यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है क्रेडिटर्स का दे दिया। बस इसी को बता रिवैल्यूएशन कैसे होता है। तो जरूर ये देखिए इसमें जो रखा है ये हमारा देखता है बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करें। ये हमारी बैलेंस शीट दे रखी है और एसेट्स हमारी 20,000 दे रखे हैं और लायबिलिटीज हमारी 20,000 दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि बिल्डिंग रिवैल्यूएट या फिर बिल्डिंग डिक्रीज किया गया है, क्या कह रहे हैं डिक्रीज हो गया है और डिक्रीज हो गया कितना हो चुका है 16,000 हो गया है। बिल्डिंग रिवैल्यूएट किया गया है, रिड्यूस किया गया है या रिड्यूस कर दो या इंक्रीज किया गया है रिव्यूज। अगर बिल्डिंग रिड्यूस किया गया है या डिक्रीज किया गया है, क्या किया गया है डिक्रीज किया गया है 16,000 एंड क्रेडिटर इंक्रीज किया गया है, क्या कह रहे हैं इंक्रीज किया गया है 12,000 ये दे रखा है। अब इसने कहा कि रिवैल्यूएशन की एंट्री बताओ, क्या बताओ रिवैल्यूएशन की एंट्री बताओ। तो रिवैल्यूएशन में एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे लिए प्रॉफिट होगा वो हमारा डेबिट होगा, जो हमारे लॉस होगा वो हमारा क्या होगा क्रेडिट होगा। अब बिल्डिंग एसेट्स है हमारे, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही 16,000 का में क्या हो चुका है लॉस हो चुका है, तो 16,000 या इसकी वैल्यू 16,000 तो एक अलग बात थी, पर डिक्रीज कितना है 16,000, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 4,000। वैल्यू कितनी कम हो गई 16,000 और वैल्यू क्या रही 20,000 गिरी 4,000 होगी, तो कितने का लॉस हुआ हमें 16,000 का जो वैल्यू लॉस हुई है। और जो लॉस होगा हमारे क्या होगा डेबिट होगा, क्या होगा डेबिट होगा सॉरी क्रेडिट होगा। तो ध्यान रखना इसी को, तो लॉस होगा हमारे लिए क्या होगा क्रेडिट होगा किसमें रिवैल्यूएशन में। अगर जो लॉस होगी तो हम क्या एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन में वो आप देखो,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिलिंग अगर लॉस हो रहा है तो 20,000 60,000 लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे ही क्रेडिट लाइबिलिटीज होती है वो क्या होगी इंक्रीज हो रही 12,000 और क्रेडिट लाइबिलिटीज और इंक्रीज हो रही तो हमारे लिए क्या है वो भी लॉस है कि जो चीज हमने कितने लिए थे 20,000 देने थे और हम और कितने देंगे 12,000 और देंगे तो हमें क्या होगा लॉस होगा। तो सेम सिस्टम यही है एंट्री होगी इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अगर सपोज करो ये ही चीज अगर इंक्रीज हो जाती ये क्या हो जाती इंक्रीज हो जाती ये इंक्रीज हो जाती और ये चीज क्या हो जाती डिक्रीज हो जाती यही चीज अगर बिल्डिंग कितनी है 20,000 है इंक्रीज हो कितनी हो रही 16,000 तो हमारी क्या हो रहा है एसेट्स अगर हमारी बढ़ रही तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री क्या होगी मैं इसको मिटा देता हूँ इसको 20,000 थोड़ा बेसिक बताया था बिल्डिंग इंक्रीज 16,000 हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा अगर कोई चीज हमारे लिए प्रॉफिट है तो ऊपर आएगी तो बिल्डिंग इंक्रीज हो रही तो ट्रांजैक्शन ऊपर आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही क्रेडिटर हमारा लायबिलिटीज है डिक्रीज हो रहा है 12,000 तो क्रेडिटर जो हमने देने 20,000 के क्रेडिट करके अब कितने कम हो गए हमारे 12,000 हम कितने देंगे 8,000 हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने का 12,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे साइड कर देंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चीजें थी जो रिवैल्यूएशन आपको मैंने बता दी थी और इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे किस साइड जाएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा और जो भी लॉस होगा हमारे किस साइड जाएगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा। तो ये जो चीजें बेसिक थी जो मैंने आपको बताई है तो कुछ खास है नहीं इसमें मैं एक बार इसको और पढ़ देता हूँ इसमें दे रखा है क्या कि संभव है कि टाइम स्पेंड होने के बाद कुछ एसेट्स ऐसे जिनकी वैल्यू बढ़ेगी और कुछ एसेट्स ऐसे जिनकी वैल्यू डाउन होगी जैसे मैंने आपको बताया अभी तो जो फिक्स वैल्यू रहेगी तो बैलेंस शीट में रहेगी उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू उसमें बढ़ाएगा कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू उसमें घटाएगा तो अपने कैसे चेक करना है वो रिवैल्यूएशन में आपको मैंने बताया है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएट इसलिए आवश्यक है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज के मूल्य में जैसे ही चेंजमेंट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारा रेशियो है उसमें भी ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। तो इसके दो पॉइंट दे रखे हैं कि किस प्रकार हमें इसको डिवाइड करना है इसमें रिवैल्यूएशन है। फर्स्ट व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स अगर जो वैल्यू रिवाइज किया गया वो रिकॉर्ड हो बुक्स में तो एंड व्हेन रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड आर नॉट टू बी रिकॉर्ड अगर वैल्यू जो दी गई हो रिवाइज की गई और बुक में वो ना हो मतलब कि बैलेंस शीट में दे रखी है बिल्डिंग नीचे भी बिल्डिंग दे रखी तो रिवाइज हो रही है एक तो ये बैलेंस शीट में कुछ नहीं दे रखा और नीचे दे रखा है एक वो तो कैसे क्या है अगर वेन रिवाइज दी वैल्यू आर रिकॉर्ड टू बी सॉरी वेन दी रिवाइज दी वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स अगर वैल्यू रिवाइज हो रही है तो बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए कैसे क्या करना है आप देखो इसमें कह देगा कि एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी तो क्या होंगी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा तो इसमें ये रखा है मैं आपको बता भी चुका हूँ कि रिवैल्यूएशन में कैसे क्या होगा ये चीज़ें मैंने बताई आपको अभी ये थोड़ा बेसिक बताया था मैं एक बार इसमें डायरेक्टली इसमें बताई जा सकता है क्या दे रखा है कि सेम वैसा का वैसा ही बनेगा जैसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसा ही बनेगा जो प्रॉफिट होगा हमारा क्या होगा क्रेडिट जो लॉस होगा हमारा क्या होगा तो रिवैल्यूएशन का क्या होगा आप देखो फर्स्ट पॉइंट अगर एसेट डिक्रीज हो रही है अगर एसेट्स एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है मतलब कि कम हो रही है तो क्या एंट्री करेंगे वो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स जो भी एसेट्स दे रही है अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है अगर एसेट्स मैं आपको बता चुका हूँ ना सारी चीजें बेसिक बताया जा रहा है इंक्रीज हो रही है ठीक है
मतलब नहीं, ये कम है ध्यान रखना, कम एसेट्स इंक्रीज मीन्स अधिक बढ़ रही है। तो क्या होगा, एसेट्स बढ़ती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, 6 मार्क्स में क्वेश्चन निकलता है, थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर भी आपका ऐसा ही होगा, तो रिवैल्यूएशन में थोड़ा फोकस करना। थर्ड पॉइंट, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो आपको पता ना लायबिलिटी डिक्रीज करना कम होगी, हमारे लिए क्या प्रॉफिट, तो मैं क्रेडिटर को 50,000 दे रहे हैं और वो कह रहे तो 12,000 ही दे देगा नीचे, तो कम हो रही है, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे हुआ 38,000, 12,000 से काम चला रहे हो, तो डिक्रीज अगर कम हो, लायबिलिटी अगर कम होगी तो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज दायित्व कहते हैं लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, मिस अधिक हो रही है, तो कॉमर्स बहुत हमारे लोग से क्रेडिट में ये कहा कि आपने मुझसे 50,000 देने हैं और बनते कितने हैं, 30,000 हैं, तो लिखना है 50,000 है तो मुझे 30,000 दे रहे हो, लिखना है 50,000 दे रहे हो, तो 20,000 ज़्यादा दे रहे हो तो मुझे क्या हुआ, लॉस। तो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है मुझे क्या हुआ, लॉस होगा, ध्यान रखना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, बस ये चीज देखिए जो मैंने आपको बताई, इन्हीं के बीच का क्वेश्चन है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो अब देखो, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, अगर एसेट्स कम हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ रहा है, ये कहां जाएगी, फिर इसमें टू में जाएगा, आप देख लेना, इसमें करके रखा है, इसमें बना के रखा है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ रहा है और एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स का आधा ही बाय में जाएगा, अब इसमें दे रखा है एसेट्स इंक्रीज बाय में दे रखी है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो कहां जाएगी, बाय में जाएगी, आप देख सकते हो, दे रखी है। इसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ा, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो टू में जाएगी, आप देख सकते हो टू में ही जा रही है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन में, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में कहां लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा, अगर प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में डेबिट में लिखा जाएगा तो वही प्रॉफिट कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, और क्रेडिट डेबिट ज्यादा है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट से, तो रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा, और लॉस कहां लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट में लिखा जाएगा, और जो भी क्रेडिट में लॉस लिखा जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में कहां चल जाएगा, फॉर्मूले के में डेबिट में चल जाएगा। तो ये चीज ये थी जो मैंने आपको अभी समझाई है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे, तो थोड़ा सा इसको रीड करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो मेरे से पूछ लेना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कर लेना, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप 30 तक करके देखना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन में तो बाय मैसेज मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।